गुड मॉर्निंग सर। सो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं वॉकिंग और हमें नहीं पता कि हमारी डेस्टिनेशन कहाँ तक होने वाली, क्योंकि हम कसार देवी की सोच रहे हैं, बट देखते हैं हम कहाँ तक, हमारी लिमिट होती है, हम कहाँ तक जा पाते पैदल। लेट्स गो। सो गाइस, दीक्षिता देवी भी आ चुकी है। हाय दीक्षिता जी, तो कैसा लगा आपको ठंडा? हम सब आ चुके हैं, बट सिर्फ एक इंसान बचा हुआ है, वो है विनीता देवी, जो अभी तक नहीं पहुंची है। देखो, जूही को मिल चुका है उसका प्यारा दोस्त, जिसके साथ वो बिजी हो चुकी। डोंट कम नियर मी। ये देखो, डॉग लवर बनती है हमेशा। आज कैसा कह रही है उसको? डोंट। अरे मेरे को उसको देख के डर सा लग रहा था ना, कहीं और कुत्ता आ गया। ये देखो, हमारी लेट वहां से आ चुकी है, देखिए नजरें चुरा रही है। तूने दिल का किया जो हंस। हमें एक जर्मन शेफर्ड मिला इस रास्ते में, जो हमें पसंद आ रहा है। हमसे विनीता इसे किडनैप करने वाली है। जूही भी हाय क्यूटी। ओ, पहली बार देखा जर्मन शेफर्ड इतना शांत और अच्छा लड़की है। हाय हाय क्यूटी। हमने सोचा था वॉक करेंगे, नहीं सॉरी, हम दौड़ेंगे। हमने सोचा रन करेंगे, हम जॉग भी नहीं कर रहे, हम वॉक कर रहे हैं। स्लो मोशन में, स्लो मोशन। लग तो नहीं रहा वीडियो के सामने आए वो। ये कुत्ता हमारे साथ ही आ रहा है, अपने घर से दूर हो चुके। ऊपर कुत्ता, इसको काटेंगे। ओए ले, जा जा घर जा। हम बहुत स्ट्रगल कर रहे ताकि घर जाए। जा यार, इतना क्यूट है। चलो घर जाओ। अम्मा तारा गुड डॉगी घर। यार सूरज चुके हैं पहाड़ी हाउस, तो आप देख सकते हैं। गाड़ी देखा, यहाँ आप चाय पी सकते हैं, जो भी मतलब यहाँ सीन कितना अच्छा। देखिए पूरे पेड़ है, मस्त नजारे है, तो आप अपनी शाम मस्त बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा है ये जगह। और हम कसार देवी अभी 2 किलोमीटर प्रमोशन करा रहे, तो हम अभी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में शायद, अगर हम चलते रहे तो। बट हम थक चुके हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं मैं हाफ रही हूँ। हम अपने आप को प्रोत्साहन, तो गाइस हम आपको अपने आप को प्रोत्साहन देने के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहेंगे। चलो, कम ऑन अंजलि, यू कैन डू इट, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन दीक्षिता, यू कैन डू इट। तो ये चल, हमारी कंपेनियन को एक और कंपेनियन मिल गया। बाय फ्रेंड, वी विल मिस यू फ्रेंड। बाय फ्रेंड, फ्रेंड। बाय फ्रेंड, बाय फ्रेंड, फ्रेंड। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो गाइस आप देख सकते हैं,
आपने मेरा बल्टा वाला व्लॉग दिखाया तो इस रास्ते से हम बल्टा गए थे, जिसको भी जाना है यहाँ पे जा सकता है। अभी निकलो, अभी निकलो, जल्दी जाओ, गेट लॉस्ट। अभी निकलोगे तो शाम तक घर आ पाओगे। पता नहीं क्या कर रही है, अकेले अकेले लगी है। बल्टा की तरफ रास्ता जा रहा है और हम जा रहे हैं कसार देवी, वो उस साइड है। चलो कसार देवी, चलो कसार देवी, चलो। अरे इनका रहन दो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो आप देख सकते हैं 8 बजे की तब यार व्यू आ रहे हैं, 8 बज चुके हैं। हाँ, हम हैं बादलों की ऊंचाई में, बादलों के ऊपर जंगल के पार, देखो आप घर आया यार तोड़ी। देखिए गाइस, हमने कितना सफर पार कर लिया, एंट्री से कसार देवी 1 किलोमीटर बचे बस। ये जाओ, मैं आपको बहुत अच्छा व्यू दिखाने वाली हूँ जिससे आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। ये है वो व्यू, नहीं ये नहीं, ये है वो व्यू, मैं हूँ मैं। जब छोटे थे हम पेंटिंग करते थे, हम एक साइड का अलग कलर का और एक साइड का अलग कलर का करते थे, और इसी वजह से करते थे। विनीता जी को नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आई है, विनीता जी को नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आई है, पहाड़ों को देख के अपनी गंदी भद्दी ड्राइंग याद आ रही है। मम्मी और भाई को बोला कि मैं कसार देवी जाऊंगी कल सुबह 6 बजे उठ के, तो उनको यकीन ही नहीं हुआ, वो मेरे को इग्नोर कर रही है, कौन बोल रहा है। फिर मैं अपने दीदी को भी बोला तो बोले लगी स्माइल, टेढ़ी स्माइल दे दियो, नहीं जा पाएगी तो ऐसा वाला था। बट मैंने फाइनली कर दिखाया तीन दोस्तों के साथ। तो हम पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं कसार देवी मंदिर। सो आप भी दर्शन ले लीजिए मंदिर का। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए बहुत सारा। जय कसार देवी। आइए कैसे दूर चलो, मैं ही नहीं पहुंचू दीक्षा, जरा तेरी मम्मी लोग को यकीन नहीं हो तो आइए क्या जल्दी चला दूर रहे क्यों आंटी। ये देखो ये भी पहुंची है, ऐसे मैं सोचा रास्ते में ही बैठ गई। आने जाना ब्रो, ठीक है कैसे भानी इधर। अबे प्लीज मत दिखाइयो प्लीज, हम कितने दिनों बाद आ रहे हैं, यहां बहुत चेंजेस हो चुकी है। देखिए नई नई अच्छी अच्छी सीढ़ियां लग रही हैं। चाकू हट हे वंडर, ये हेलो आई लिटरली फॉलोइंग फॉर यू। इस मंदिर का इतिहास बड़ा विषय। तो गाइस यहां पर हमें यहां का थोड़ा इसके मतलब इसकी जानकारी दी हुई है, जो हम देख सकते हैं। इसमें हमें लॉन्गिट्यूड का बता रखा है और ऊंचाई बता रखी है 1917 मीटर, और निकट में निकटतम दर्शनीय स्थल। यहाँ से आप पानी पी सकते हो, ये है पानी। गाइस हमें पानी
सो कितना प्यारा व्यू है। अब तुम कितने अच्छे आ रहे हो, पत्थर वहीं रखी है अभी। नीचे बैठ जाते, वाह यही है क्या, हम यहीं बैठते क्या? नहीं वो उधर है, वो वही मैं कंफ्यूज हो गई। ओ ये कह रहा था क्या है क्या बुरे। जाओ जय हो। सो हम पहुंच चुके हैं मंदिर। अंजलि द ब्लॉगर आ गई। ये रहा हमारा प्रसाद। सूरज सर में रखने के लिए दे दे प्लीज। ये तुम कितनी ठंडी भैंस की सॉक्स तो पहने हैं तूने? मैं नंगे पांव। ये को कितना ठंडा लग रहा है सोच ले। जी पूरा व्यू दिखा। इतनी ही दी है। यहाँ नहीं बैठ रहे हो? यहाँ जुराब में पूरे कांटे लग जाएंगे। चलो चलो तुम पहले चलो, चलो जल्दी चलो जल्दी। मेरे पांव सूजे। आओ आओ जल्दी आओ। मम्मी 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 अच्छे से चलो आराम से। और नीचे देख कितना खतरनाक है। सो फाइनली हमने कर दिखाया। अभी हम है कसार देवी की चोटी के ऊपर। नीचे देखो कितनी ऊंचाई है। मेरा फोन मत गिराना। दीक्षिता को तो हमसे भी ज्यादा भूख लगी है, उसको संतरा खाना है।